सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करके आज मैं आपको एक नुस्खा बनाना बता रही हूँ जो आपके किसी भी प्रकार का दर्द हो, अगर घुटने में दर्द होता हो, चलने में दिक्कत होती हो, उठने बैठने में दिक्कत हो, या घुटने में सूजन रहता हो, या नसें आपकी कमज़ोर हो गई हो, नसें खींचती हो, पैर में सुन्न जैसा हो जाता है, या कमर में दर्द हो, झंझनाहट हो, कमर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती हो दर्द की वजह से, या आपके पैर में अंगूठे में किसी प्रकार का भी दर्द हो, पिंडलियों का दर्द हो, या नसें बहुत ज़्यादा दर्द दे रही हैं, तो यह आज का नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यह बहुत ही पुराना नुस्खा है, बहुत पहले से आजमाया हुआ नुस्खा है, और इसे लगाते ही आपको 15 मिनट में देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। लगातार आप इसका इस्तेमाल अगर करना शुरू कर देंगे तो आपकी दर्द जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आप सभी का स्वागत है हेल्दी हरदम यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए कि इसको बनाने का तरीका क्या है। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है आपको, नहीं तो आप एक भी स्टेप अगर मिस कर जाएंगे तो इस पे कैसे बनानी है वो नहीं समझेंगे, जिससे यह नुस्खा आपको सही से असर नहीं करेगा। तो इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इसे ठीक करने के लिए हम बनाएंगे एक काढ़ा। बहुत ही आसान काढ़ा है, सिर्फ दो आपको इसमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जो सामग्री हम इसमें लेंगे वह लेंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची कैसे काम करती हैं, तो यह जो भी आपकी नसों में ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से दर्द होने लग जाता है, खून का प्रवाह सही ढंग से नहीं होता, तो उसको ठीक करने का काम करता है। बड़ी इलायची दर्द को दूर करता है। बड़ी इलायची देखने में, देखिए, मसाले में हम घर में प्रयोग करते हैं बिरयानी वगैरह बनाने में, वही वाली इलायची है। आप यह इलायची, एक इलायची आपको ले लेनी है और इसे इस्तेमाल करना है काढ़े में। दूसरी जो सामग्री आपको लेनी है वह लेनी है धनिया। साबुत धनिया सभी के घर में होता है और इससे दर्द को दूर किया जाता है, क्योंकि यह हमारे जितने भी दर्द हैं उसको खींचने का काम करता है, और इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को भी कम कर देते हैं। साथ में आपको लेनी है दालचीनी। दालचीनी भी बहुत फायदेमंद होती है दर्द को खींचने के लिए, और पुराने से पुराने दर्द को खींचने का यह नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप इसको ज़रूर से अपनाइए। यह तीनों ही चीज़ को मिलाकर आपको यह बनाई जाएगी। दो सिर्फ आपको मैं बताने वाली हूँ, दो रेमेडी, दोनों ही नुस्खे आपको करने हैं। तो पहले नुस्खे में यह तीनों सामग्री आपको लेनी है, साथ में आपको ले लेनी है थोड़ा सा धागे वाली मिश्री ले लें, या फिर गुड़ अगर है तो गुड़ भी ले सकते हैं। अब इसको आपको कूट कर तैयार कर लेना है पाउडर। आप एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, कोई सा भी पतीला जो आपके पास होता है, इसमें आपको डाल देनी है 2 कप पानी। पानी को उबाल लीजिए और आपने जो बनाया है अभी यह चूर्ण को, उसको इसमें डाल देना है। साथ में आपको गुड़ भी डाल देना है, और इसे अच्छी तरह से आपको उबाल लेनी है। कम से कम 2 मिनट के लिए इसे उबाल लें, और उबालने के बाद इसे छानकर एक कप में निकाल लें। आपको इसे सुबह सुबह ले लेनी है, खाली पेट ले लें, और एक शाम के वक्त इसे आपको पी लेना है। आप देखेंगे आपके जो दर्द है, अकड़न है, या मौसम बदलने के साथ गले में खड़ाश हो गई है, सर्दी जुकाम है, सभी में आपको यह फायदा करने वाला है काढ़ा। आपकी इम्यूनिटी को यह बढ़ा देगा। तो चलिए जान लेते हैं दूसरा वह कौन सा नुस्खा है जिसे लगाते ही आधे घंटे में आपको आराम मिलने लग जाएगा। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, सबसे पहले यह देख लीजिए, प्याज। प्याज जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दर्द को खींचने के लिए। तो प्याज को हम कद्दूकस कर लेंगे और इसके रस को निकाल लेंगे। दूसरी जो सामग्री हम इसको लेंगे वह लेंगे गुड़। तो गुड़ क्या करेगा, बहुत अच्छा काम करता है किसी भी प्रकार के दर्द को, अगर वहाँ पे सूजन है उसको ठीक करने का यह काम करता है। बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत पहले से आजमाया हुआ है, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा आपको फर्क दिखने लगेगा पहले दिन में ही। तीसरी जो सामग्री इसमें हम डालेंगे वह डालेंगे हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर आप ले लें, आपको मात्रा आप देख लें आपको कितनी बनानी है, उसके हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। हल्दी का पाउडर डाल दें और इसे भी अच्छे से मिला लें। अब यह तीनों ही चीज़ों को हम अच्छे से मिलाकर एक लेप तैयार कर लेंगे। अब इस लेप को हमें किस प्रकार से लगानी है तो वह बता देती हूँ। इस लेप को हम हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। तो हल्का सा आप इसको चूल्हे पर डाल दें और इसे हल्का सा गर्म कर लें। कितना गर्म करना है कि आप इसे जितना बर्दाश्त कर सकते हैं।
अब जहाँ भी आपको दर्द है, जैसे कि घुटने में दर्द हो जाती है, घुटने खींचने लगते हैं, अकड़ जाते हैं, नसें की समस्या हो जाती है, नसें भारी हो जाते हैं पैर, या फिर बहुत सुन्नपन जैसा लगता है, कमर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, इस लेप को आपको धीरे धीरे लगा देना है। और इस लेप को लगा के आप क्या करेंगे कि एक गर्म कपड़े से ऊपर से बांध कर इसे लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप जैसे ही इसे लगाकर बांधेंगे, आधे घंटे में ही आपके दर्द जैसे लगेगा कि यह खींच रहा है, बहुत ज़्यादा आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 2 घंटे बाद आप इसे लगाकर निकालेंगे, आप उसके बाद से अपने घुटने पे कोई सा भी तेल लेकर वहाँ पर हल्का सा मालिश कर लें। आप देखेंगे आपके घुटने में सूजन और दर्द, या किसी भी प्रकार का कमर का दर्द, जहाँ भी इस लेप को लगाएंगे उसका दर्द, सूजन, अकड़न और ब्लॉकेज हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और पुराना से पुराना, 20 साल पुराना भी दर्द को दूर करने का यह ताकत रखता है, इतना ज़्यादा असरदार नुस्खा है। तो इसे ज़रूर से अपनाएं और शेयर भी कर दें, जिनको भी आप जानते हैं कि यह दर्द रहता है तो शेयर अवश्य कर दें।